हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को, जिन मूवीज की स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग और ट्विस्ट और टर्न ने सभी को आकर्षित किया। इस वीडियो में हम पूरी मूवी को समझेंगे और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है कैप्टन फिलिप्स। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स, जो कि अपना सामान पैक करके कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स के साथ उनकी पत्नी भी थी और वो दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे और वो उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके चली जाती है। दूसरी तरफ हमें सोमालिया के एक कस्बे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदूकधारी लोग उस कस्बे के जवान लड़कों को धमकी दे रहे थे और वो बोल रहे थे, जाओ जाकर कोई बड़ा शिप पकड़ो वरना बॉस तुम्हें मार देंगे, जाओ समुद्र में वापस जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर सभी जवान लड़के समुद्र की ओर बढ़ते हैं। वो किसी बड़ी शिप को पकड़ने के लिए जा रहे थे और उन लड़कों में कुछ लड़के थे जो अपने साथ समुद्र में लूट के लिए लड़कों को चुनते हैं, अपने ग्रुप बनाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप ओमान के पोर्ट ऑफ सलाला पर पहुंचते हैं और कैप्टन अपनी कंटेनर शिप को देखते हैं, जो कि उन्हें ले जानी थी। कैप्टन शिप के दरवाजे और उसके लॉक को देखते हैं और फिर कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर शॉन मर्फी से मिलते हैं। शॉन कंट्रोल रूम को संभालता था। कैप्टन शॉन से उनका रूट पूछते हैं। शॉन कैप्टन को बताता है कि उन्हें सोमालिया बेसिन से निकलते हुए मुंबासा पहुंचना है। ये सुनकर कैप्टन फिलिप चिंता में आ जाते हैं। कैप्टन फिलिप शॉन को बोलते हैं, हमें थोड़ी सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी, सारे मेन दरवाजे बंद रखो, हम लुटेरे के इलाके से निकलने वाले हैं। शैन बोलता है, ठीक है कैप्टन। आगे शिप चलने के लिए तैयार था और शिप आगे बढ़ता है और समुद्र में रफ्तार पकड़ता है। कैप्टन फिलिप पूरे शिप को देखते है और उसके सेफ्टी सिस्टम को भी देखते है। दूसरी तरफ समुद्र के लुटेरे शिप को लूटने के लिए निकल चुके थे और वो समुद्र के रडार को देख रहे थे। रडार पर उन्हें एक अकेली शिप दिखाई देती है, जो कि अन्य सारी शिप से दूर चल रही थी और जिस पर हमला किया जा सकता था। अगले दिन कैप्टन शैन से बोलते हैं, शैन मुझे यहाँ की सिक्योरिटी चेक करनी है बिना किसी को बताए। शैन कैप्टन के आदेश को मानकर पूरे शिप के क्रू को सिक्योरिटी चेक करने को बोलता है। तभी कैप्टन फिलिप को कंट्रोल रूम के रडार पर कुछ दिखाई देता है। ये दो बोट थी जो कि शिप की ओर तेजी से बढ़ रही थी। कैप्टन अपनी दूरबीन से देखते हैं तो सचमुच दो बोट उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर कैप्टन फिलिप अपने क्रू मेंबर को आदेश देते हैं, इमरजेंसी है, अपने आदमियों को बोलो तैनात रहे। और कैप्टन फिलिप शैन को बोलते हैं, 5 डिग्री लेफ्ट लो, देखते हैं वो हमारा पीछा कर रहे हैं या नहीं। और वो दोनों ही बोट शिप की तरफ बढ़ने लगती है। आगे कैप्टन अपने क्रू मेंबर को शिप की स्पीड बढ़ाने को बोलते हैं। शिप की स्पीड बढ़ाने के बाद कैप्टन समुद्री पुलिस को कॉल करने को बोलते हैं। शैन समुद्री पुलिस को कॉल करता है पर कॉल नहीं लग रहा था। दोनों बोट शिप की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। कैप्टन फिलिप फिर दूरबीन से देखते हैं और वो बोलते हैं, दोनों बोट पर हथियारबंद लोग हैं। कैप्टन फिलिप शिप की स्पीड को और बढ़ाने का आदेश देते हैं। सारे क्रू मेंबर घबरा रहे थे। तब कैप्टन फिलिप फोन उठाकर समुद्री पुलिस लाइन पर बात करने का नाटक करने लगते है, ताकि कैप्टन फिलिप लुटेरों को चकमा दे सके। कॉल पर कैप्टन समुद्री पुलिस से कंप्लेन करते हैं कि उनकी शिप के पीछे दो बोट लगी है और उनको अंदेशा है कि शायद ये लुटे रहे हो सकते हैं। आगे कैप्टन फिलिप खुद पुलिस की आवाज निकालकर लाइन पर बोलते हैं, हमारा हेलीकॉप्टर सिर्फ 5 मिनट में आपकी शिप तक पहुंच जाएगा और आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। समुद्री लुटेरे वॉकी टॉकी पर पुलिस लाइन पर की गई बातों को सुन रहे थे और उन्हें यही लगता है कि शिप के कैप्टन ने समुद्री पुलिस को बुला लिया है और जल्द ही समुद्री पुलिस यहाँ पर आने वाली है। ये सुनकर समुद्री लुटेरों की एक बोट वापस चली जाती है, पर एक बोट अभी भी शिप की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। शैन बोलता है, चलो एक बोट तो गई लेकिन एक बोट अभी भी हमारी तरफ बढ़ रही है। कैप्टन फिलिप बोलते हैं, चलो इन्हें लहरों में उलझाते हैं। कैप्टन फोन करके वापस शिप को धीमा करने के लिए बोलते हैं और फिर कैप्टन फिलिप शिप को 5 डिग्री लेफ्ट टर्न करने को बोलते हैं। लहरों के विपरीत दिशा में होने के कारण लुटेरों की बोट गति नहीं पकड़ रही थी और उस बोट का इंजन खराब हो जाता है और लुटेरे की बोट आगे नहीं बढ़ पाती। इस तरह कैप्टन फिलिप ने अपनी शिप को बचा लिया था। रात होती है और शिप के सभी क्रू मेंबर इकट्ठा होते हैं। कैप्टन फिलिप सभी क्रू मेंबर को बोलते हैं, आज हम पर हमला हुआ और सभी ने अच्छा काम किया, अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया है और हमारे पास जल्द से जल्द हेल्प पहुंच जाएगी। उन्हीं में से एक क्रू मेंबर बोलता है, और कैप्टन अगर वो लोग लौटे तो?
कैप्टन बोलते हैं, अगर वो लौटे तो हम उन्हें रोकेंगे जैसे आज हमने उन्हें रोका। तभी एक अन्य क्रू मेंबर बोलता है, कंपनी हमें इन लुटेरों से लड़ने के लिए पैसा नहीं देती, वो हमें शिप छोड़ने के लिए पैसा देती है। तभी एक दूसरा क्रू मेंबर बोलता है, क्यों ना हम इन सबसे कहीं दूर चले जाए, हम 8 घंटे में 100 मील की दूरी पार कर सकते हैं। कैप्टन फिलिप बोलते हैं, दुनिया के इस कोने में 5 बड़े लुटेरों के झुंड काम करते हैं और हर 300 मील पर आपकी मुलाकात एक दूसरे झुंड से हो जाएगी। हमारा काम कार्गो को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना है। अगर किसी को एक काम पसंद नहीं, वो शिप छोड़ना चाहता है, तो वो मेरे ऑफिस में आए, पेपर साइन करे और पहली फ्लाइट पकड़कर अपने घर लौट जाए। सभी क्रू मेंबर कैप्टन की बात को सुनकर चुप हो जाते हैं और कैप्टन फिलिप वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह कैप्टन फिलिप रेडी होते हैं और सुबह उनकी शिप की तरफ वापस वही बोट बढ़ रही थी। लुटेरों ने वो बोट सुधार ली थी। कैप्टन फिलिप अलार्म बजाने का आदेश देते हैं और कैप्टन फिलिप शिप को फुल स्पीड में आगे बढ़ने को बोलते हैं और कैप्टन समुद्री पुलिस को कॉल करके बताते हैं, हम पर लुटेरों ने हमला कर दिया है। समुद्री पुलिस द्वारा कैप्टन फिलिप को बोला जाता है, हम मिलिट्री को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे। समुद्री लुटेरों की बोट पर 4 लुटेरे थे और उनमें उनका एक लीडर भी था जिसका नाम अबू दुबली मूसे था। मूसे वॉकी टॉकी पर कैप्टन को शिप रोकने के लिए बोल रहा था। मूसे बोल रहा था, हम सोमालिया पोस्ट गार्ड से है, ये एक रूटीन चेकअप है, तुम अपनी शिप रोको। कैप्टन शिप नहीं रोक रहे थे तो समुद्री लुटेरे कंट्रोल रूम पर गोलियां चलाने लगते हैं। कैप्टन शेन को फोर्स वाटर चालू करने को बोलते हैं और शेन फोर्स वाटर चालू कर देता है। अब शिप के चारों तरफ फोर्स वाटर चालू हो गया था जिसके कारण समुद्री लुटेरे अपनी बोट को शिप के पास नहीं ला पा रहे थे। पर फिर भी समुद्री लुटेरे शिप पर चढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे, वो शिप के पास आने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन फिलिप कंट्रोल रूम में एक लॉक खोल के उसके अंदर से एक छोटा ड्रम निकालते हैं। इस ड्रम के अंदर से कैप्टन फिलिप कुछ छोटे कैन निकालते हैं। ये छोटे गैस कैन थे जिससे कैप्टन फिलिप उन लुटेरों की बोट पर हमला करते हैं। पर इस गैस कैन अटैक से वो लुटेरे बच जाते हैं और कैप्टन फिलिप और उनके क्रू की कोशिश के बाद भी वो लुटेरे शिप पर चढ़ जाते हैं। कैप्टन फिलिप देख लेते हैं कि वो 4 लुटेरे हैं जो कि शिप पर चढ़े हैं। कैप्टन फिलिप वॉकी टॉकी पर अपने क्रू को बोलते हैं, सुनो सब लोग, हमारे जहाज पर 4 लुटेरों ने कब्जा कर लिया है, सब लोग छुप कर रहेंगे, बाहर मत निकलना, और अगर तुम लोगों को लुटेरों ने पकड़ लिया तो याद रखना शिप को तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो लोग नहीं। उन्हें महसूस होने दो कि कंट्रोल उनका है, पर कोशिश करना वो शिप की अहम जगह पर ना पहुंचे, जैसे जनरेटर रूम या इंजन रूम। साथ में रहना, सब ठीक हो जाएगा, बाहर मत निकलना जब तक मैं ये पासवर्ड ना बोलूं, सपर टाइम। कैप्टन की ये बात सभी क्रू मेंबर सुन रहे थे और शेन भी नीचे उनके साथ था। शेन सबको इंजन रूम में छुपने का बोलता है और सबको 3 और 4 के ग्रुप में छुपने का बोलता है। सभी क्रू मेंबर इंजन रूम में छुप जाते हैं और ऊपर कंट्रोल रूम में सिर्फ कैप्टन फिलिप और उनके साथ 2 लोग थे। लुटेरे कंट्रोल रूम में आ गए थे और लुटेरों का लीडर मूसे कैप्टन फिलिप से बोलता है, कैप्टन रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं होगा, हम अलकायदा थोड़ी ना है, हम यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, हम यहाँ पर बस पैसा लेंगे और चले जाएंगे। मूसे कैप्टन फिलिप से पूछता है, ये शिप कहाँ से आई है और तुम कहाँ से हो? कैप्टन फिलिप बोलते है, ये शिप अमेरिका से आई है और मैं अमेरिकन आयरिश हूँ। मूसे बोलता है, तो अब से हम तुम्हें आयरिश बुलाएंगे, बताओ इस जहाज पर क्या क्या है? कैप्टन फिलिप बोलते हैं, इस जहाज पर खाने का सामान है और कुछ नहीं है, और शिप के लॉकर में $30,000 पड़े हैं, वो तुम रख लो और चले जाओ यहाँ से। मूसे बोलता है, हम तुमको भिखारी दिखते हैं कैप्टन। दूसरी तरफ इंजन रूम के अंदर वाले क्रू मेंबर शिप को बंद कर देते हैं, वो शिप को रोक देते हैं। ये देखकर सभी लुटेरे कैप्टन पर चिल्लाने लगते हैं, बताओ तुमने क्या किया और कैसे किया? कैप्टन फिलिप बोलते हैं, हमने कुछ नहीं किया, शायद ये जहाज खराब हो गया है, हमने इस जहाज को कुछ ज्यादा ही तेज गति से चला दिया था। मूसे बोलता है, अब मैं इस जहाज का कैप्टन हूँ, और वो कंट्रोल रूम में कुछ बटन दबाने लगता है पर कोई भी हरकत नहीं होती। मूसे बोलता है, तुम्हारे साथी का आयरिश? कैप्टन फिलिप बोलते है, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। पर मूसे कैप्टन की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। तब कैप्टन वॉकी टॉकी से पूरे जहाज के क्रू मेंबर को मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। संदेश में कैप्टन फिलिप बोलते हैं, सब लोग ऊपर आ जाओ, नहीं तो ये लोग तुमको ढूंढ के मार देंगे। पर कैप्टन फिलिप को पता था कि कोई भी क्रू मेंबर ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि कैप्टन फिलिप ने ही सभी क्रू मेंबर को पासवर्ड बताया था और उन क्रू मेंबर को आदेश था कि जब तक मैं ये पासवर्ड ना बोलूं तब तक कोई भी ऊपर नहीं आएगा। मूसे कैप्टन से वो वॉकी टॉकी छीनकर बोलता है,
अगर तुम में से कोई भी ऊपर नहीं आया तो मैं हर एक मिनट में एक आदमी को मार दूंगा और मैं दोबारा फोन नहीं लगाऊंगा। और ऐसा बोलकर मुंह से वॉकी टॉकी रख देता है। मुंह से अपने दोनों आदमी को बोलकर कैप्टन के साथ साथ उन दो क्रू मेंबर को गन पॉइंट पर रखवाता है। पर कैप्टन फिलिप मूसे को समझाते हैं, तुमने तो कहा था हम सौदा करेंगे, पर अब तुम इन लोगों को मारने वाले हो। तुम सौदा करो, पैसा लो और जो चाहिए वो लो और यहाँ से चले जाओ। मूसे अपने आदमी को क्रू मेंबर को मारने से रोकता है और मूसे कैप्टन फिलिप से बोलता है, मुझे इस जहाज की तलाशी लेनी है। कैप्टन फिलिप बोलते हैं, ओके ओके हम तलाशी लेंगे, हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम नीचे जाएंगे। पर इमरजेंसी पावर कट चुका है और हमें नीचे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा बोलते समय कैप्टन फिलिप ने अपने हाथों में रखा वॉकी टॉकी चालू रखा था, जिसके कारण ये मैसेज सब क्रू मेंबर तक पहुंच रहा था जो कि नीचे इंजन रूम में थे। और क्रू मेंबर कैप्टन के मैसेज को समझ चुके थे कि अब उन्हें इमरजेंसी लाइट्स को बंद करना है। मूसे के साथ कैप्टन फिलिप और एक अन्य लुटेरा बिलाल नीचे की तरफ जाने लगते है और मूसे कैप्टन फिलिप से उसके हाथ वाला वॉकी टॉकी ले लेता है। नीचे क्रू मेंबर तय करते हैं कि हमें जनरेटर बंद करना होगा ताकि वो लोग यहाँ पर आएंगे तो वो हमें देख नहीं पाएंगे और अंधेरे के कारण वो वापस चले जाएंगे। शेन बोलता है, मैं किचन की तरफ जाता हूँ, मैं किचन से पानी लेकर आता हूँ। और उन्हीं में से एक मेंबर जिसका नाम जॉन था, वो इमरजेंसी लाइट बंद करने शिप के ऊपर की तरफ जाने लगता है। कैप्टन फिलिप मूसे और बिलाल को शिप में यहाँ वहाँ घुमाने लगते है, पर शिप में लगा मैप देख कर मूसे कैप्टन को इंजन रूम में ले जाने को बोलता है। कैप्टन फिलिप बोलते हैं, ओके चलो हम पहले किचन से पानी ले लेते हैं और फिर हम इंजन रूम में जाएंगे। कैप्टन मूसे और बिलाल किचन की तरफ जाते हैं पानी लेने के लिए। किचन में शेन भी था जो खुद पानी लेने के लिए आया हुआ था। कैप्टन और मूसे की आवाज सुनकर शेन कोल्ड स्टोरेज में छुप जाता है। कैप्टन कोल्ड स्टोरेज के बाहर पड़ी पानी की बॉटल्स देखकर समझ जाते हैं कि किचन में कोई था जो पानी लेने आया था और आवाज सुनकर वो छुप गया है। कैप्टन पानी की बोतल लेकर वहां से चलने को बोलते हैं, पर मूसे बिलाल को कोल्ड स्टोरेज चेक करने को बोलता है जहां पर शेंग छुपा हुआ था। कैप्टन पहले कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं और वो सब्जियों के कैरेट के पीछे शेंग को छुपा हुआ देख लेते हैं। बिलाल भी कोल्ड स्टोरेज में देखने के लिए आने वाला था, पर कैप्टन उसे रोकते हुए बोलते है, तुम नंगे पांव हो, यहां पर थोड़ा संभल कर चलना, तुम्हें चोट लग सकती है। ऐसा सुनकर बिलाल कोल्ड स्टोरेज के बाहर ही खड़ा होकर कोल्ड स्टोरेज के अंदर देखने लगता है, पर अंधेरा होने के कारण उसे शेन दिखाई नहीं देता। आगे कैप्टन फिलिप मूसे और बिलाल किचन से निकल जाते हैं। शेन वॉकी टॉकी पर इंजन रूम के सभी क्रू मेंबर को आगाह करता है, वो तुम्हारी तरफ आ रहे है, अगर गिलास जैसी कांच की कोई चीज हो तो वो दरवाजे पर तोड़ देना, अच्छा रहेगा। क्रू मेंबर बोलते हैं, हाँ ठीक है हम समझ गए। दूसरी तरफ जॉन भी इमरजेंसी लाइट बंद करने के लिए शिप के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया था, पर वहां पर एक लुटेरा नजर रखे हुए था। जॉन उसका ध्यान भटकाने के लिए एक लोहे के पाइप से शोर करता है। पाइप की आवाज सुनकर वो लुटेरा दूसरी तरफ जाकर देखता है, जब तक जॉन इमरजेंसी रूम तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ इंजन रूम में घुसते ही बिलाल के पांव में कांच घुस जाते हैं क्योंकि वो नंगे पांव था। बिलाल दर्द से करा रहा था और मूसे कैप्टन फिलिप पर गुस्सा करता है। मूसे बोलता है, बताओ कैप्टन क्या साजिश रच रहे हो, ये कांच किसने फैलाए? कैप्टन बोलता है, देखो मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ था, मुझे नहीं पता ये कांच किसने फैलाए। मूसे बोलता है, हम लोग पूरा इंजन रूम देखेंगे। कैप्टन मूसे और बिलाल को इंजन रूम दिखाने लगता है और तभी जॉन ऊपर से इमरजेंसी लाइट बंद कर देता है और वहां से भाग जाता है। इंजन रूम की लाइट बंद होने पर मूसे कैप्टन पर और चिल्लाता है और उसको मारने की धमकी देता है। कैप्टन बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, और अब तो अंधेरा है, हम किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे यहाँ पर। बिलाल कांच लगने के कारण और ज्यादा चीख रहा था। मूसे कैप्टन को बिलाल के साथ कंट्रोल रूम में वापस भेज देता है क्योंकि बिलाल दर्द के कारण चिल्ला रहा था और वो चल भी नहीं पा रहा था। और मूसे नीचे इंजन रूम में क्रू मेंबर को खोजने की कोशिश कर रहा था। वहीं इंजन रूम में छुपे हुए क्रू मेंबर मूसे पर अटैक कर उसे पकड़ लेते हैं। कैप्टन फिलिप बिलाल के साथ वापस ऊपर कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे और कंट्रोल रूम के वॉकी टॉकी पर क्रू मेंबर के मैसेज आने लगते हैं। क्रू मेंबर कंट्रोल रूम के लुटेरे को बोलते हैं, तुम्हारा लीडर हमारे कब्जे में है, हम सौदा करना चाहते हैं। एक लुटेरा जिसका नाम नाजी था, वो वॉकी टॉकी पर बात करता है और उसकी बात मूसे से कराई जाती है। मूसे नाजी से बोलता है, उनकी बात मान लो, मुझे यहाँ से छुड़ा लो, आयरिस को रेडियो दो, मैं उससे बात करूंगा। मूसे कैप्टन फिलिप से बात करता है और कैप्टन फिलिप मूसे से बोलते हैं,
कैप्टन, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हारे पास बोट नहीं है, तुम हमारी बोट ले सकते हो और साथ में तुम $30,000 लेकर यहाँ से चले जाओ ये शिप छोड़कर। मुझे बोलता है ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। कैप्टन फिलिप लॉकर से $30,000 कैश निकालते हैं और कैप्टन फिलिप उन लुटेरों को लाइफ बोट की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्रू मेंबर भी मूसे को लेकर आ गए थे। कैप्टन लुटेरे को लाइफ बोट के अंदर ले जाते हैं और फिर कैप्टन उनमें से एक लुटेरे को, जिसका नाम वलिद एलमी था, कैप्टन एलमी को लाइफ बोट को हैंडल करना बताते हैं कि लाइफ बोट कैसे आगे बढ़ेगी, उसे कैसे कंट्रोल करना है। वहीं कैप्टन वॉकी टॉकी पर मूसे को छोड़ने का बोल देते हैं। अब मूसे भी लाइफ बोट के अंदर आ गया था। कैप्टन लाइफ बोट से बाहर निकलने लगते हैं पर मूसे नाजी को इशारा कर देता है और नाजी कैप्टन को लाइफ बोट के अंदर धक्का देता है और लाइफ बोट का गेट अंदर से बंद कर लेता है और लुटेरे लाइफ बोट को समुद्र के अंदर ले जाते हैं। अब लुटेरे कैप्टन को अगवा कर अपने साथ ले जा रहे थे। दूसरी तरफ यूएस नेवी को सूचना मिलती है कि शिप के कैप्टन को 4 लुटेरों ने अगवा कर लिया है और वो उनको अपने साथ ले जा रहे हैं। कैप्टन की कंटेनर शिप भी उस लाइफ बोट का पीछा कर रही थी क्योंकि शिप के क्रू मेंबर को लग रहा था कि लुटेरे कैप्टन को कहीं ऐसी जगह ना ले जाए जहां से वो कभी मिल ना पाए। पर यूएस नेवी के ड्रोन भी अब लाइफ बोट के ऊपर मंडराने लगे थे और वो लाइफ बोट की पल पल की जानकारी नेवी को दे रहे थे। यूएस आर्मी के कमांडर फ्रैंक कैस्टेलानो को ऊपर से ऑर्डर मिलता है। व्हाइट हाउस चाहता है कि सब शांति से सुलझ जाए पर कैप्टन फिलिप सोमालिया में किसी भी कंडीशन में नहीं पहुंचना चाहिए। कमांडर फ्रैंक बोलते हैं, मैं समझ गया मैडम। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप लुटेरों से पानी मांगते हैं और बिलाल कैप्टन फिलिप को पानी लाकर देता है। पर थोड़ा पानी पीने के बाद नाजी कैप्टन से वो पानी वाला ड्रम छीन लेता है और नाजी बोलता है ये पानी हमारे लिए है और वो फिर कैप्टन पर चिल्लाने लगता है। और नाजी थोड़ा सनकी स्वभाव का था इसलिए वो बार बार कैप्टन पर चिल्ला रहा था, उन्हें डरा रहा था, उन्हें गोली मारने की धमकी दे रहा था। मूसे नाजी को चुप रहने के लिए बोलता है और मूसे वॉकी टॉकी से अपनी दूसरी बोट वालों से मदद मांगता है। सामने से लुटेरों की दूसरी बोट वाला कैप्टन बोलता है, तुमने हमारे जहाज पर कब्जा करने वाले प्लान को बर्बाद कर दिया है। बॉस चाहते हैं तुम कैप्टन को अपने साथ यहाँ पर ले आओ, नहीं तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद यूएस नेवी लुटेरों की बोट को घेर लेती है और बोट में लुटेरों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। नेवी कमांडर फ्रैंक लाउड स्पीकर पर अनाउंस करते हैं, मैं नेवी कमांडर बोल रहा हूँ, हमें कैप्टन फिलिप लौटा दो और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जाने देंगे। मूसे घबरा गया था और मूसे वॉकी टॉकी पर बोलता है, हम पर कोई एक्शन मत लो, कोई एक्शन मत लो, हम अलकायदा नहीं है, हम तो बस मामूली मछुआरे हैं। नेवी की तरफ से दूसरा आदमी बोलता है, देखो मेरा नाम नीमो है और मैं यूएस नेवी में काम करता हूँ, हम सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। मूसे बोलता है, ठीक है तो मुझे $10 million चाहिए और तब हम कैप्टन को छोड़ेंगे। यूएस नेवी से नीमो बोलता है, देखो ये इतना आसान नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक पैसों का इंतजाम नहीं होता हम तुम्हारे लिए खाना और पानी भेज रहे हैं। मूसे बोलता है, ठीक है ठीक है, लेकिन कोई भी चालाकी मत करना। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप की शिप पर आर्मी पहुंच गई थी और आर्मी शेन से बोलती है, हम आपको और आपके जहाज को सुरक्षित मुंबासा पहुंचा देंगे और हम आपके कैप्टन को भी बचा लेंगे। आगे नेवी बोट पर खाना लेकर लुटेरों की बोट के पास जाती है। नेवी खाना देने के साथ साथ लुटेरों की बोट का और उनका वीडियो भी बना रही थी ताकि नेवी को अंदाजा हो सके कि लुटेरों की बोट में कौन कौन कहां कहां पर बैठा है, कैप्टन ठीक है या नहीं। उन्हीं में से नेवी का एक ऑफिसर बोलता है, हमें कैप्टन को देखना है। लुटेरे कैप्टन को बाहर लाते हैं और नेवी वाले कैप्टन से पूछते हैं, आप ठीक तो हो सर? कैप्टन फिलिप बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ और ये जरूरी है कि सभी को पता हो कि मैं सीट नंबर 15 पे हूँ। अब नेवी को पता चल गया था कि कैप्टन बोट की सीट नंबर 15 पर है। आगे मूसे नेवी वालों से पैसों की मांग करने लगता है और मूसे लगातार नेवी वालों से बात कर रहा था। नाजी मूसे को अंदर आने के लिए बोलता है और नेवी वालों से बात नहीं करने के लिए बोलता है, पर मूसे नहीं आ रहा था। नाजी गुस्से में कैप्टन की कनपट्टी के पास एक गन फायर कर देता है। गोली की आवाज सुनकर नेवी वालों को आदेश मिलता है, जल्दी अपनी बोट वहां से ले आओ, दूर ले आओ। यह आदेश सुनकर यूएस नेवी की बोट वापस शिप की तरफ बढ़ जाती है। मूसे नाजी पर चिल्लाता है, तुमने फायर क्यों किया, क्या तुम पागल हो गए हो? नाजी भी मूसे पर चिल्लाता है और बोलता है कि पूरे दिन उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। नेवी मूसे को वापस वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजकर पूछती है, क्या कैप्टन ठीक है, क्या वहां पर कैप्टन ठीक है? मूसे बोलता है, हाँ वो ठीक है, ये एक हादसा था और हमसे गलती से गोली चल गई थी,
नेवी कमांडर फ्रैंक बोलता है, हमें कैप्टन से बात कराओ अभी। मुझे नेवी कमांडर से कैप्टन फिलिप की बात कराता है। कैप्टन फिलिप बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, पर इन्होंने मेरे सर के पास से अभी गोली चलाई। नेवी कमांडर फ्रैंक मूसे से बोलते हैं, कैप्टन देखो उस बोट के कैप्टन तुम हो और वहाँ पर सब सुरक्षित हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम सब शांति से निपटाना चाहते हैं, याद रहे कैप्टन को चोट ना पहुँचे। मूसे बोलता है, अब हम बात तब करेंगे जब हम सोमालिया पहुँच जाएंगे। अब रात हो गई थी और लुटेरों की लाइफ बोट पर कैप्टन फिलिप लुटेरों से बोलते हैं, मुझे टॉयलेट जाना है। मूसे कैप्टन को टॉयलेट जाने की इजाजत देता है। कैप्टन लाइफ बोट के बाहर टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। लाइफ बोट के बाहर बिलाल भी खड़ा था। कैप्टन बिलाल को धक्का देकर खुद पानी में कूद जाते हैं। कैप्टन तैरकर नेवी शिप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यूएस नेवी के लोग भी देख लेते हैं कि कोई लाइफ बोट से उनकी तरफ तैरकर बढ़ रहा है। अंधेरा होने के कारण नेवी को कंफर्म नहीं था कि वो कैप्टन फिलिप ही है, इसलिए वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्या ये कैप्टन फिलिप है। कैप्टन लाइफ बोट से तैरकर दूर जाने लगे थे, पर लुटेरे अपनी लाइफ बोट को वापस कैप्टन के पास ले जाते हैं। मूसे पानी में कूद कर कैप्टन को पकड़ लेता है और कैप्टन को लाइफ बोट पर लुटेरे वापस चढ़ाते हैं। अब कैप्टन वापस लुटेरों के कब्जे में था। नाजी कैप्टन को मारता है। मूसे नाजी को रोकता है। दूसरी तरफ नेवी के साथ अब सील कमांडर भी आ गए थे और हेलीकॉप्टर भी आ गए थे। सील कमांडर लुटेरों को वार्निंग देते हैं, कैप्टन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। मूसे कैप्टन पर गन अड़ाकर बोट का दरवाजा खोलता है और वो धमकी देता है, मैं इसे मार दूंगा। तभी वॉकी टॉकी पर मूसे को फिर से मैसेज आता है। सामने से सील कमांडर बोलते हैं, देखो हम तुमसे पैसों की बात करने आए हैं, हम तुम्हें जानते हैं। तुम्हारा नाम मूसे, नाजी, बिलाल और एलमी है। हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है और वो सौदा करने के लिए तैयार है। तुम हमारे आदमी को भेज दो और हम तुम्हें पैसे भेज देंगे, पर उसके लिए तुम्हारे किसी आदमी को हमसे बात करने के लिए आना पड़ेगा। मूसे बोलता है, ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ। आगे सील कमांडर के स्नाइपर तैयार होते हैं। वो लाइफ बोट पर निशाना लगाते हैं, पर लाइफ बोट चारों तरफ से बंद थी, तो सील कमांडर उस लाइफ बोट की खिड़कियों से निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। मूसे को लेने के लिए नेवी की बोट आती है और मूसे उसमें जाने लगता है। नेवी के आदमी वहां पर कैप्टन फिलिप को पहनने के लिए एक यूनिफॉर्म देते हैं और यूनिफॉर्म को पहनने के लिए बोलते हैं। मूसे को नेवी शिप पर ले जाती है। दूसरी तरफ शिप पर रोशनी कर दी जाती है और रोशनी के कारण लुटेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नेवी लाइफ बोट को एक रस्सी के जरिए शिप से बांध देती है। अब लाइफ बोट शिप के साथ साथ चलने लगी थी। लुटेरों का कंट्रोल उस लाइफ बोट पर अब नहीं था। कैप्टन फिलिप भी नेवी के द्वारा दी गई यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं। सील स्नाइपर बोट पर निशाना लगाए हुए थे और वो वेट कर रहे थे कि तीनों लुटेरे निशाने पर आए और तीनों को एक साथ उड़ा दिया जाए। कैप्टन फिलिप भी डरकर अपनी फैमिली को खत लिखने लगे थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो ये खत उनकी फैमिली तक पहुंचा दिया जाए। नाजी कैप्टन फिलिप को वो खत लिखते हुए देख लेता है और वो कैप्टन फिलिप पर चिल्लाने लगता है और उनसे खत वाला कागज छीन लेता है। कैप्टन फिलिप गुस्सा होकर नाजी पर हमला कर देते हैं, उससे हाथापाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्नाइपर के निशाने पर खिड़की के जरिए अभी तक भी दो ही लुटेरे आए थे। उनके निशाने पर बिलाल था और दूसरा एलमी था जो कि ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, पर नाजी उनके निशाने पर नहीं आ रहा था इसलिए वो शूट नहीं कर रहे थे। नाजी और कैप्टन के बीच हाथापाई होती है और बिलाल कैप्टन पर हमला कर देता है। लुटेरे कैप्टन फिलिप को रस्सी से बांधते हैं और उन्हें मारते हैं। ये सारी आवाजें नेवी तक पहुंच रही थी क्योंकि लाइफ बोट का वॉकी टॉकी चालू था। आगे लुटेरे कैप्टन फिलिप की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और नाजी कैप्टन को मारने की बात बोल रहा था। दूसरी तरफ सील स्नाइपर के निशाने पर अभी भी दो ही लुटेरे आए थे। सील कमांडर आदेश देते हैं, जैसे ही तीनों निशाने पर आए तीनों को उड़ा देना। नाजी गुस्से में आ जाता है और वो कैप्टन फिलिप को मारने वाला था। तभी सील कमांडर नेवी को आदेश देते हैं, बोट को खींचना बंद करो। नेवी बोट की रस्सी को ढीला कर देती है और बोट पर एक झटका लगता है जिससे तीनों लुटेरे स्नाइपर के निशाने पर आ गए थे और स्नाइपर एक साथ तीनों को शूट कर देते हैं। कैप्टन फिलिप अपनी आंखों की पट्टी को नीचा करके देखते हैं तो तीनों लुटेरे अब मर चुके थे। कैप्टन फिलिप चिल्ला रहे थे क्योंकि वो मरते मरते बचे थे। नेवी कैप्टन फिलिप को रेस्क्यू करती है और मूसे को शिप में पकड़ लिया जाता है। आगे नर्स कैप्टन फिलिप का इलाज करती है, पर कैप्टन फिलिप घबराए हुए थे, वो नर्स से बात भी नहीं कर पा रहे थे और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये 2009 की कैप्टन रिचर्ड फिलिप की जिंदगी की एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी थी।
इस घटना में मूसे को पकड़ लिया जाता है, बाकी तीनों लुटेरे मारे जाते हैं। इस मूवी की सबसे अच्छी बात यही है कि इस मूवी में हर समय टेंशन बनी रहती है और इस कारण आप इस मूवी से अपना ध्यान नहीं हटा पाते। और अगर आपको एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।